फ्रेंड्स, सुकून दो पल में आप सभी का इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो इसी खूबसूरत फूल के बारे में है। ये है रेन लिली, जिसे फेयरी लिली भी कहते हैं। और ये सारे के सारे फूल जो है आप देख रहे हैं, ये मेरे गार्डन से है। हालांकि रेन लिली के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर पहले भी डाला है, जिसमें बताया है कि रेन लिली को कैसे लगाते हैं, किस तरह के सॉइल में लगाते हैं और इससे ज़्यादा फूल कैसे पाते हैं। सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। फिर भी आज का वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें फूल आए हैं, तो इसको मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। और साथ ही इसमें इतने ज़्यादा ब्लूमिंग कैसे हुआ, इसके बारे में भी वीडियो में आगे जानकारी मिलने वाली है। इस समय अगस्त मंथ चल रहा है और ये मॉनसून सीजन है। इस समय रेन लिली के लिए यह मौसम बहुत अच्छा होता है। यह इसी मॉनसून सीजन में बहुत अच्छे से फूल देते हैं। खासकर जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये इसके फ्लावरिंग का पिक समय होता है। इस समय हर एक के रेन लिली के प्लांट में, चाहे एक बल्ब हो या हजार बल्ब हो, बहुत ज़्यादा फूल इसमें खिल के आते हैं। और 6 तारीख को मैंने मॉर्निंग में देखा कि इसमें बहुत सारी कलियां आई हुई थी और कुछ फूल भी खिले हुए थे। लेकिन आज 7 तारीख को मॉर्निंग में देखा कि पूरा का पूरा मेरा पॉट जो है रेन लिली के फूलों से भर चुकी है। मैंने रेन लिली के बल्ब एक टब में, गमले में, छोटे बड़े सभी तरह के पॉट में लगा रखा है। आप देख सकते हैं सारे के सारे पॉट में कितनी अच्छी सी ब्लूमिंग हुई है। तो इस समय मेरे गार्डन में रेन लिली की एक बहार सी आ गई है और इसे सचमुच फेयरी लिली कहा गया है, क्योंकि जब इसकी कलियाँ एकदम से दिखती नहीं है और मॉर्निंग में छत पर जाइए तो आप पाएंगे कि ढेरों फूल खिल के आए हैं। जैसा लगता है कि सचमुच मुझे फेरी आके अपने जादू की छड़ी से फूलों की बरसात करती है। मुझे याद आती है जब मैंने शुरू में रेन लिली की गार्डनिंग शुरू की थी, तो मात्र 5 बल्ब मैंने खरीद के लगाया था और उसी 5 बल्ब से मल्टीप्लाई होके इतने सारे बल्ब हर साल बनते हैं कि मैं अपने आस पड़ोस और दोस्तों को मैं ये बल्ब बांट देती हूँ। और जब मैं हर साल अपने ही दिए हुए बल्ब के द्वारा उनके गार्डन में खिले हुए फूलों को देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गार्डन में रेन लिली के प्लांट में इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे हुई है, इसके लिए मैंने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई है। हाँ, कुछ काम ज़रूर किया है, जैसे कि रेन लिली के बल्ब को शुरू में बहुत अच्छे से सॉइल मिक्सर बना के लगाया था, जिसका वीडियो भी आप सभी से मैंने शेयर किया था। और उसके बाद से लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में मैंने इसे मंथ में एक बार सरसों खली और नीम खली पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है और बाकी कुछ इसमें मैंने नहीं किया है। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोगों के रेन लिली के प्लांट में इस अगस्त मंथ में भी फूल नहीं खिल के आते हैं, उसके पीछे कारण होती है। रेन लिली के प्लांट में फूल क्यों नहीं आते हैं मॉनसून सीजन में भी, इसका उपाय मैं आपको बताऊंगी और उसका कारण भी बताऊंगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में उसका उपाय मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि रेन लिली में अगर फूल नहीं आते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर फूल छोटे आते हैं तो बड़े फूल कैसे पाएँ, और सारे उपाय मैं आपको आने वाली वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करूंगी। लिली के प्लांट में इतनी ज़्यादा भर भर के फूल आई है कि मुझसे तो ये फूल संभाले नहीं संभाले जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि सारे फूल को मैं आप सभी से शेयर कर दूं, इसलिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ उसके ऊपर। लिली के में मेरे पास 3 कलर हैं, वाइट, पिंक और येलो। और तीनों कलर के फूल को हम लोग कैसे पहचाने प्लांट को जब इसमें फूल नहीं रहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आने वाली वीडियो में, कि आप प्लांट देख के पहचान सकते हैं कि ये रेन लिली का किस कलर का ये फूल है, और क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो मैं इस वीडियो में केवल फूलों को आप सभी से शेयर कर रही हूँ, और आने वाले वीडियो में मैं ये बात भी आप सभी से ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, तभी तो मैं भी खुश होकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचा पाऊँगी। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।